हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वेज करी मंत्रा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स फ्रूट मूस, और ये विदाउट शुगर है, कोई क्रीम भी नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं, और आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं सीजनल। और मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एंड केला यूज़ किया है। आप इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए मिक्सर जार में, और अगर ब्लेंड करने में तकलीफ हो, जैसे एप्पल हो, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध पहले मिला सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और मिल्क पाउडर इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ा मोटा बनाती है, जिसके लिए वजह से हमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं, आप बाद में उसमें हनी डाल दीजिए स्वीटनेस के लिए, आपको जितना लगे उतना डाल लीजिए। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी, ऐसी कंसिस्टेंसी का आप हर एक चीकू है, एप्पल है, इन सब चीज़ों का बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फिर आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, काजू, बादाम, वॉलनट्स, पिस्ताचियो, इन सब का आप पाउडर बना लीजिए। करीबन 100-150 ग्राम पाउडर बनेगा, और उसमें आप इलायची का पाउडर मिक्स करके आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप इसमें और भी वेरिएशंस ला सकते हैं, लाइक आप इसमें सैफरिन डाल सकते हैं अपने हिसाब से, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इलायची डाल के, ताकि वो हर जगह मिक्स हो जाए। फिर आप इसे लेयर ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा शो आएगा, आप उसको अनमोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसे लेयर करने में, आप इसमें खजूर भी यूज़ कर सकते हैं चॉप किए हुए, देखिए ज़्यादा चिकने वाले नहीं, थोड़े से कड़क यूज़ कीजिएगा। एंड ये इसको थोड़ा सा स्वीटनेस, थोड़ा क्रंच देता है आपको ड्राई फ्रूट्स, जो आप जब आपके मुंह में आएगा जो मूस के साथ, बहुत टेस्टी लगता है, यमी लगता है। यू कैन स्किप दिस, बट इट इज़ वेरी टेस्टी। और आप इसके अभी इसे टॉप कीजिए फ्रूट मूस, जो आपने फ्रूट का जो मिक्स तैयार किया है उसको, और फिर आप इसके ऊपर अभी ये ड्राई फ्रूट का मिक्स अगेन डालिए। और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़, न्यू रेसिपीज़ के लिए। और आप बस इसे अब देखिए कैसे रेडी हो गया है, आप इसे फ्रीज़ कर लिए 3 से 4 घंटे के लिए, और बस आप इसे फिर सर्व कीजिए। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, उपवास के दिनों में भी आप इसे खा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे भी डेजर्ट, घर का बना हुआ, होममेड, वेरी इजी, नो शुगर, बच्चे भी आराम से खा लेंगे। और अगर आप इसे फ्रीज़ करना ना भी चाहें, थोड़ा और कड़क बना के आप इसे बस यूं ही खाएं, तो भी बड़ा टेस्टी लगता है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा थिक होता है तो अंदर डूब भी नहीं जाता। और आप इसे डायरेक्टली ग्लास से खाइए, मैंने इसे अनमोल्ड किया है बिकॉज़ मेरा ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं था, सो दैट इज़ वाई। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये मैंने बेरीज़ के साथ बनाया है, आप ज़रूर इसे एप्पल, चीकू के साथ ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों, डू ट्राई। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना। एंड ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए डू लाइक सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।